रवि भाई की जो फोर्स वाला शॉट मारते हैं उनकी हैंड ग्रिप एक बार दिखाना। राम राम भाई, सभी भाइयों को स्वागत है आप सभी का नए व्लॉग में। और काफ़ी दिनों बाद आज व्लॉग बना रहा हूँ भाई, समय नहीं मिल रहा, वर्किंग डे में क्या करें। तो भाई अभी तो ग्राउंड पे हूँ मैं सुबह के 9 बजे। अरे भाटी परेशान हो रहा, दोपहर में इकला लग रहा, देख रहे हो। हाँ सैटरडे है आज और भाई खेलने जाना है आज। काफ़ी दिनों बाद 4-5 टूर्नामेंट जो है नहीं गया मैं, आज खेलने जाना है। जयपुर में टूर्नामेंट है, बढ़िया टूर्नामेंट है भाई। टीम का भी बताएंगे, प्लेयरों से मिलेंगे, बढ़िया एंजॉय होगा, सही व्लॉग बनेंगे भाई, देखना अंत तक। अभी तो फिलहाल ड्यूटी जा रहा हूँ भाई। हाँ दिख रहा है, तो अभी तो भाई ड्यूटी जा रहा हूँ, मुझे छोड़ कर रहे हैं। कुणाल है मेरे साथ, सौम्या, ये इंस्टाग्राम पर रील वील डालते रहते हैं। सौम्या बता दो अपनी आईडी। 08 सौम्या जाट। वाह वाह वाह, जाट के नाम से। तो भाई फॉलो करो, अच्छी अच्छी मिला है, मतलब फनी टाइप की बनाते हैं ज़्यादा रील वील निकल गया है। तो भाई चलो मिलते हैं, फिर रास्ते के नज़ारे दिखाएंगे थोड़ा बहुत, बाकी शाम को फिर खेलने जाना ऑफिस के बाद। वो मिलते हैं सभी प्लेयरों से, कौन सी टीम रहेगी, कौन कौन प्लेयर है, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है कौन कौन प्लेयर है। बाकी अंकित भाई के साथ जाना है खेलने जयपुर, 2 टूर्नामेंट का प्लान है खेलने का, वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। प्रधान जी को पसीना आ रहे हैं, देख रहे हो, फुल प्रैक्टिस कर रहे हैं। और साथ में भाटी जी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया बालक हैं ये, सब जूनियर के बच्चे, बास्केटबॉल के अच्छे प्लेयर हैं ये सभी। नहीं बिल्कुल, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय। अभी निकल लिया ऑफिस से, और भाई नीटे भाई, काड़े भाई सभी आ रहे हैं, उन्हीं के साथ जाऊंगा। यहाँ से अपना ऑफिस यहीं पे है भाई, आसपास ही। तो अभी निकल लिया हूँ भाई, पैदल जा रहा हूँ उनके गाड़ी के पास, मिलाते हैं सभी प्लेयरों से, मिलते हैं फिर रास्ते में, ठीक है। तो भाई राम राम, ऑफिस से निकल गए भाई और चल पड़े हैं भाई टूर्नामेंट खेलने जयपुर में। और 31,000 का टूर्नामेंट है जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ही था, और संडे का भी एक टूर्नामेंट है, उसके बारे में भी बताएंगे। बाकी लाइट वेट जला देना काड़े भाई इसमें, वो तो तो मेरे साथ है भाई, स्टार प्लेयर है, बढ़िया प्लेयर है, और पंजाब में अच्छा खासा नाम भाई का, पंजाब में नाम है भाई, फोर्स किंग है, मतलब कहे जा सकते हैं, बढ़िया प्लेयर है भाई, वास्तव में मिलनसार व्यक्ति है। डिक्शनरी में भी अगर फोर्स नाम देखोगे ना, हाँ, तो सर्च करोगे तो रवि भादरे, देख क्या ये भाई, सच में सही बात है ये, हाँ कोई मजाक नहीं है। तो भाई नैतिक भाई भी है मेरे साथ, भाई भी जा रहे हैं खेलने के लिए, टीम नहीं बताऊंगा कौन सी टीम में जा रहे हैं भाई, ये सस्पेंस है सभी का, ठीक है, कौन किस में खेलेगा। और भाई नीट है भाई, है चिराग दिल्ली से भाई, बहुत अच्छे प्लेयर है भाई, मिलनसार व्यक्ति भी है, अच्छे मजाक कर लेते हैं टूर्नामेंटों में। बाकी बहुत लंबा सफर है भाई, 3-4 घंटे लग जाएंगे भाई यहाँ जयपुर के, तो रास्ते में भाई व्लॉग फुल मजाक वजाक, और भी प्लेयर हैं आगे, अभी अंकित भाई भी मिलेगा, और भी बढ़िया मतलब सिस्टम बिठाएंगे, हंसी मजाक सही रहेंगे। और आपको मिलाते हैं भाई, जो पंजाब में धूम मचा रखी है ना भाई ने, मतलब सच में वास्तव में बढ़िया मतलब प्रदर्शन है, और अपनी टीम को विनर कराते हैं पंजाब में भाई। रवि भाई राम राम भाई, राम राम ये रवि बहादुरगढ़ है भाई, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, स्टार प्लेयर हैं, और अभी टॉप 10 में मतलब टॉप में चल रहे हैं, बढ़िया प्रदर्शन भाई का।
और वैसे भी व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो बढ़िया है, मतलब बोलचाल में वैसे भी तो यही होना चाहिए भाई प्लेयर का एक, मतलब प्लेयर तो सभी होते हैं, मतलब किसी की कुछ सोच होती है, राजनीति भी होती है ना भाई। हाँ तो वो चीज नहीं है भाई, मैं बिल्कुल बढ़िया व्यक्ति है भाई, बिल्कुल साफ है। और काले भाई भी हैवी ड्राइवर हमारे साथ, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ भाई को। राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम। तो भाई सभी साथ जा रहे हैं भाई जयपुर टूर्नामेंट, देखते हैं बढ़िया प्रदर्शन रहेगा। और रवि भाई दो तीन बातें पूछूंगा मैं आपसे खेल के बारे में, सच सच जवाब, झूठ झूठ तो बोलते ही नहीं भाई यार, ऐसे क्यों कह रहे हो। तो भाई रवि भाई एक तो ये बताओ, जैसे आप पंजाब में आप ज्यादातर खेलने लगे हो टूर्नामेंट, और हरियाणा में थोड़ा कम कर दिया क्योंकि जॉब भी आपकी वहीं पे है, तो आपको पंजाब का मतलब अच्छा लगता है खेलना, मतलब टूर्नामेंट, क्योंकि नीचे नेट है वहाँ पे, टोचन वोचन का भी प्रचलन है वहाँ पे है ना भी, और हरियाणा में कम ही मिलता है, और नेट भी थोड़ी हाइट थोड़ी ज्यादा मिले है ना, तो कौन सा पसंद है अभी फिलहाल, अपना राय बताना, ऐसा नहीं हमारे उससे बोल दो कि हरियाणा का ही। पंजाब वाले भी देख रहे हैं, हरियाणा वाले भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं भाई वीडियो ना, सब देख रहे हैं। हैंग हो जाता है जब भाई आता है, प्रेम भाई टूर्नामेंट खेलते बहुत टाइम हो गया, यहीं से स्टार्टिंग करी है दिल्ली में, बिल्कुल तो हर तरह के टूर्नामेंट खेल लिए, जिसमें मतलब कमेटी का अरेंजमेंट कम भी था बढ़िया भी था, हर तरह के खेल रहे हैं, बाहर जयपुर में भी खेल रहे हैं, बिल्कुल तक भी खेल लिए, तो जो भी तक जो लगा जो सिस्टम और जो अरेंजमेंट लगा वो पंजाब का बढ़िया लगा। अच्छा, क्योंकि हर एक टूर्नामेंट में ग्राउंड लाइट सब सेम होते हैं, जो अरेंजमेंट होता है सब मोस्टली सेम होता है ना, ऐसे अभी बात नहीं कि सारे पंजाब में बढ़िया है, पंजाब में भी कुछ जगह हुए ऐसे टूर्नामेंट जो बिना हमने इसे बिना अरेंजमेंट के भी खेले हैं, जहाँ पे थोड़ा लाइटों में गड़बड़ मिली या कमेटी थोड़ा बहुत कहीं गड़बड़ हो, मतलब हर जगह मिल जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ के टूर्नामेंट खराब है अपने यहाँ, ऐसा नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हरियाणा में या फिर और किसी स्टेट में अरेंजमेंट जो होते हैं खिलाड़ी को, जो खाने पीने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, ग्राउंड का, लाइटों का होता है, अपने यहाँ थोड़ा लाइटों में गड़बड़ हमेशा ही मिलती है, कहीं एक ग्राउंड पे नेट की हाइट कम होगी, एक पे ज्यादा होगी, कोई टीम कहेगी मेरे को यहाँ खेलना है, सही बात है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ पंजाब में लाइटें सभी ग्राउंड पे सेम मिलेगी, बॉल सेम मिलेगी, सारा सब जो। अच्छा एक बात कहना चाह रहा हूँ भाई रवि, आप कह रहे हो बॉल सेम मिलेगी, बॉल ना वो कुछ पुरानियां चलाते हैं वो जो नेट लगाते हैं ना भाई, क्योंकि नई बॉल नहीं चलाते, उसी बॉल को मतलब हर टूर्नामेंट में ऐसा मैंने देखा है, एक दो टूर्नामेंट में ऐसा मतलब साइज भी बड़ा हो जाए उस बॉल का, है ना, बताता हूँ, वो थोड़ा सा करना चाहिए उसका, यही है भाई, कई बार देखा है जैसे कई टीम में है वो कहते हैं भाई हमें नई बॉल नहीं चाहिए, पुरानी बॉल चाहिए, कई बार बढ़िया मैच होता है जैसे सेमी तक पहुंच गए, क्वार्टर तक पहुंच गए, कई दूसरी टीम कहती है भाई नई बॉल चला लो, दूसरी टीम मना करती है, तो कई सारे एग्री नहीं होते, ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं कि वो बॉल मना करते हैं, बदलते नहीं है वो, बदल देते हैं बॉल, जब भी बोल रहे तभी बदल देते हैं। तो भाई आपका सीधा सीधा कहना कि हरियाणा और राजस्थान यूपी में जो अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था है खिलाड़ियों को जो चाहिए, वो सभी व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, ग्राउंड वगैरह को लेके, अरेंजमेंट लाइटों के लेके, इसमें सुधार किया जाए ना, एक वहाँ ग्राउंड चार मिलते हैं, अच्छा टूर्नामेंट जल्दी खत्म होता है, अपने यहाँ कितना टाइम लगता है, यहाँ पे दो ग्राउंड ही होते हैं ना, नहीं तो तीन भी हो जाते, दो ज्यादा तीन मिलते हैं, कोई एक आधा ही टूर्नामेंट हो जिसमें चार मिल जाए वो तो बड़ी अच्छा, बात दो तीन और चार भी मिल जाएंगे तो उसमें से दो ही ग्राउंड चलाने फिर भी अपने यहाँ, तो वहाँ ग्राउंड बंद नहीं होते, चाहे पांच ग्राउंड है चार ग्राउंड है, तो ऐसा नहीं कि ये बढ़िया टीम इसका मैच इसी पे होगा, वो सभी ग्राउंडों पे खेलने को मिलता है ना, सही है, बढ़िया बात है। अच्छा दो तीन बात और पूछ रहा हूँ, जैसे कि आपको जो नेट हाइट है वो परफेक्ट आपके अनुसार कितनी होनी चाहिए सभी जगह, स्टार्टिंग 8-3 तक करी थी पहले, 8-3 अच्छा। भी ठीक लगे अगर नहीं अभी बताओ फिलहाल जो चल रहा है अब तो पता क्या, अब जो हाइट मिल जाए उसमें खेल ले, अभी एक्यूरेट हाइट में बता नहीं सकता क्योंकि नाप ही नहीं है, अगर इतनी हाइट पे होना चाहिए, नहीं आपका जो बढ़िया बॉल बैठ जाए कितनी होनी चाहिए वो बता दे। बॉल प्रेम भाई बॉल बैठने का कुछ नहीं पता, बॉल तो भाई जब चलना हो ना, आज चल रहा हो जब कभी भी अच्छा। वो तो हाइट कितनी भी 8-3 से भी खेलते थे उसपे भी बॉल लगती थी, हाँ, तो ड्रॉपिंग में भी बॉल लगती थी, ठीक बात, अब तो वही बात जैसा गेम थोड़ा है, नेट चेंज हो रहा है, गेम भी चेंज हो रहा है, थोड़ा आगे सेंटर मिनी सेंटर
खड़ा होकर खेलना पड़ा नहीं, इसीलिए हर तरह का थोड़ा गेम का फॉर्मेट अलग। अच्छा ये जो एक राज है, जो राज की बात है, जो साइड में खेलने का क्या राज है ये? ना साइड में खेलना थोड़ा भाई, एक तो वेट ज्यादा, इतनी मूवमेंट होती नहीं भाई। अच्छा तो सेंटर में मूवमेंट का तो फिर रनिंग वगैरह कम कर दी इसका मतलब, जो मैराथन वगैरह करते बंद ही भाई अभी तो वर्कआउट वगैरह। अच्छा अच्छा ना सही है, अच्छी बात है भाई। नहीं दूसरी जगह भी खेलना चाहिए, अच्छी बात है, साइड में भी खेल लेते हैं और सेंटर में। फिर वहाँ जो पंजाब में है ना 6 प्लेयर के होते हैं मोस्टली टूर्नामेंट, थर्ड भी खेलता है ऐसा ही लगता है सेंटर खेलने को, सभी बॉल पीछे ही रखते हैं। अच्छा सेंटर में फिर बॉल भी कमी आती है और कोई नई टीम होती तो मिल जाती खेलने, नहीं तो बॉल। अच्छा ना ठीक है, बढ़िया बात है। अच्छा ये आपको जो 6 प्लेयर होते हैं प्लेइंग, 7 प्लेयर प्लेइंग होते हैं, वो कौन सा ठीक है आपके अनुसार? देखो अगर अंडर हैंड खेल रहे तो 6 ही होने चाहिए। हाँ, अंडर हैंड का अंडर हैंड में तो 6 ही होने चाहिए। ग्रुप भी खेल रहे ना 7 ठीक थे। अच्छा उसमें 7 चलते थे बढ़िया था। अंडर हैंड में ये है थोड़ा गैप रहेगा तो बॉल मारने का, 7 में तो मूवमेंट होती नहीं, खड़े रहते अपने, 7 में मूवमेंट नहीं होती। अच्छा अच्छा 6 में थोड़ा जोर भी लगता है, मूवमेंट भी होती है, सही है ना 6 प्लेयर में सही ना? बढ़िया अच्छी बात है। और कब से खेल रहे हो आप ये शूटिंग वॉलीबॉल? चिराग दिल्ली की टीम ने जब स्टार्टिंग करी थी ना नीटर, जब ये जाया करते ड्रॉपिंग जब इन्हें शुरुआत करी उस टाइम पे मेरी शुरुआत थी। टूर्नामेंट तभी जाने लगा था मैं, देख लो अपना मैच लगा था रामपुर कुंडल एक बार, जब इनकी भी ड्रॉपिंग का ड्रॉपिंग का बढ़िया बढ़िया, हमारा भी बादुड़ का सेट था इनका भी। अच्छा बादरगढ़ का, हाँ सही सेट था, तो ड्रॉपिंग तो इनके साथ पहले इनकी भी स्टार्टिंग थी। अच्छा। तब भी मैच हमारा बढ़िया चला, 21 पॉइंट लगभग 15 साल तो हो गए होंगे या कम, 10 एक साल ना 10 साल 10 एक साल 13 साल हो गए आपको खेलते हुए ना। और इसके अलावा कोई गेम जिसमें तरक्की की हो, मतलब कुछ खेले हो स्टेट लेवल नेशनल लेवल? रग्बी खेलता था भाई, खेल लिया रग्बी। अच्छा अमेरिकन फुटबॉल खेल लिया भाई, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में मेडल हमारे सेकंड भी। अच्छा ऑल इंडिया में नेशनल में। चलो देखो भाई हमारे बीच शूटिंग वॉलीबॉल के स्टार प्लेयर है, शूटिंग वॉलीबॉल की भी और जो वैलिड गेम है जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है उनमें भी नेशनल प्लेयर है, नेशनल में भी अवार्ड है भाई को, तो भाई गर्व होना चाहिए हम सभी शूटिंग वॉलीबॉल प्लेयर को भाई पे रवि पे। और एक और स्टार प्लेयर है बहादुरगढ़ से ही भाई, पहलवान को तो कौन नहीं जानता भाई, भाई के साथ खेलते हैं कभी कभी और बढ़िया खेलते हैं वो भी पहलवान जी। तो भाई अच्छा आगे से दो उंगली से, अच्छा मतलब ये खुला रहता है यहाँ से? ठीक ये है भाई, फोर्स वाला शॉट मारते हैं जो साइड में से सेंटर में से मतलब घूमती आती है। मैंने तो भाई फोर्स देखी थी आपका और हमारा मैच हुआ था हाजीपुर में भाई, उस दिन आपने जो बॉल मारी थी मेरे भाई ऐसे ऐसे आ रही थी घूम के, सही में सच में उस दिन फोर्स का मेरे को महसूस हुआ था कि हाँ वास्तव में फोर्स है आपकी बॉल। अरे भाई आप तो लग के गए, उस साइड में टेंट बना था। ठीक कह रहे काड़े भाई। तो भाई हाँ भाई काड़े भाई दो चार सवाल भाई नीटे भाई से पूछ लेंगे नहीं? पूछ लो भाई बिल्कुल। अब सही है पार्टी दूंगा यार, पार्टी चाहिए आज दे देंगे। डॉलर इकट्ठा हो जाएगा कैसे? डॉलर मेरे साथ चिक्सी भाई, अंकित भाई और तानवीर भाई, अंकित भाई है, चिक्सी भाई है और मैं। क्या तो भाई अभी निकल चुके हैं हम, रास्ते में हैं और दूसरी गाड़ी में आ गया हूँ मैं अंकित के साथ, तो पहुँच रहे हैं रास्ते में भाई। हाँ अच्छा रवि का फुल इंटरव्यू है इसमें अभी डालूंगा। अच्छा चिक्सी मजे ले रहा है यार, बंदा तगड़ा हो रहा है। तो भाई इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि अब रास्ते में और दूसरा ब्लॉग वो नेक्स्ट डे मिल जाएगा आपको। और हाँ और पहुँचेंगे ग्राउंड पे, वो दिखाएंगे ग्राउंड वगैरह और भी ब्लॉग बनाएंगे भाई, प्लेयरों से मिलेंगे बातें बातें करेंगे, बढ़िया टूर्नामेंट होने वाला।